वो जात पाक है जिसने इसको हमारे जेरे फरमान कर दिया और हम में ताकत न थी कि इसको बस में कर लेते, और हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। मखलूक को हमेशा अपने खालिक को याद रखना चाहिए, और याद रखने का आसान तरीका यह है कि कुरान हकीम की बाकायदा तिलावत की जाए और अल्लाह ताला के इस हुक्म की पैरवी की जाए। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا میرے شکر گزار رہو اور ناشکری نہ کرو قرآن حکیم ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو قدم بقدم انسانی زندگی کا احاطہ کرتا ہے उसकी तिलावत रूह में बालीदगी और ख्यालात में बुलंदी अदा करती है, खाह कारी अरबी जबान समझता हो या ना समझता हो। कुरान मजीद इस दुनिया में इंसान के बेशुमार मसाइल का हल पेश करता है। इनमें से कुछ मसाइल को अभी आपने सुना और दुआओं के जरिए उनका हल भी सुना। ये दुआएं और मुनाजातें किसी भी परेशानी या मुसीबत के वक्त हर मुसलमान अल्लाह ताला के हुजूर पेश कर सकता है। यूं तो कुरान मजीद के मुख्तलिफ तराजिम हैं, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि हर आयत का आसान तर्जमा पेश कर दिया जाए। इन दुआओं और मुनाजात की तिलावत इंशाअल्लाह बहुत मुअस्सर और कवि साबित होगी। हमने इंतहाई आजिजी और इनकसार के साथ ये दुआएं मुंतखब की हैं। अब ये आपका काम है कि इन दुआओं के जरिए अल्लाह ताला का रहम करम और फजल हासिल करें।